आम आदमी पार्टी के पिछड़ा वर्ग कार्यालय पर नियुक्ति पत्र देकर किया सम्मानित। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। साथ ही सभी पार्टियां जनता का प्यार पाने के लिए अपने अपने पुरजोर मेहनत कर रही हैं ताकि जनता का प्यार उन्हें मिल सके। जैसा कि आज आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष की ओर से हरतला के बिशनपुर रोड स्थित पिछड़ा वर्ग के कार्यालय पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर पदाधिकारियों द्वारा बूथ स्तर पर पदाधिकारी बनाए जाने के साथ ही उनको नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन राशिद अली सैफी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन ने की। मुख्य अतिथि के रूप में आए विधानसभा 28 के प्रत्याशी डॉक्टर ए पी सिंह ने बताया कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी की सरकार बन जाती है तो 5 साल तक जनता की मूल समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली वासियों को दी जा रही हैं, वो सुविधाएं उत्तर प्रदेश के अंदर लागू कर उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ी राहत दी जाएगी, जिससे आए दिन सामने आने वाली परेशानियों से निजात पा सके। जैसा कि 300 यूनिट बिजली फ्री, बेहतर शिक्षा, रोडवेज, बस में महिलाओं का किराया फ्री, मोहल्ला क्लिनिक युवाओं को रोजगार आदि अनेक सुविधाओं का लाभ देने की बात कही। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष दरोली, जिला अध्यक्ष ओबीसी डॉक्टर नजरुद्दीन मलिक, कार्यालय प्रभारी मनोज बिश्नोई, महानगर अध्यक्ष गुड़िया खान आदि जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। केजरीवाल सरकार ने देकर वहां के लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का काम किया है, इसलिए आम आदमी पार्टी को इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। और आम आदमी पार्टी वही सारी सुविधाएं जो दिल्ली के अंदर वो अपने नागरिकों को दे रही है, वही सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश के अंदर भी देने के लिए आम आदमी। डॉक्टर नजरुद्दीन मलिक, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी ओबीसी जी। आज मैंने अपनी मीटिंग का गठन किया है, जो जिला अध्यक्ष की एक कमेटी होती है उसको मैंने गठित किया गया है, सबको पदाधिकारियों पद दिया गया है साहब। अच्छा गया है जी। यहाँ पर फरमान सेठी हैं जिन्हें महासचिव बनाया गया है, तब्बाब मलिक हैं जिन्हें कोषाध्यक्ष बनाया गया है, डॉक्टर ओमकार सिंह हैं जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, डॉक्टर निषाद हैं जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। मीटिंग का उद्देश्य ये है कि 28 विधानसभा से जो हमारे ए पी सिंह साहब खड़े हुए हैं, ये सीट हम मेहनत करके और पूरी शक्ति के साथ इसको जिता के लेके जाएं। और मैं कहता हूँ कि हमारे जो आम आदमी पार्टी ने हैं अब तक 170 सीटों का प्रभारी बना चुके हैं, इनको सबको ही हम चाहते हैं मेहनत करके जिताएं और आम आदमी पार्टी की सरकार हम अपने उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर आएँ। मेरा नाम दारा अली है, मैं अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का ओबीसी वर्ग। और आज हमारे जिला अध्यक्ष जी जो नजरुद्दीन मलिक हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था अपने, मतलब जो कमेटी गठित की थी, कमेटी गठित करने का अंदाज ये है कि सब लोगों को इकट्ठा करके सबके साथ, मतलब सबको सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर जो जो भी हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए, सब को सम्मान फुल तैयार है। जैसे क्या पहले जो है गारंटी कार्ड दे रही है, घर घर जाकर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का गारंटी कार्ड दे रही है और हर प्रत्याशी को पुरजोर ताकत लगा करके जिताने की कोशिश कर रही है। जैसे कि अब पिछली सरकारों ने नहीं करा, वो आम आदमी पार्टी हमारी पार्टी करने के लिए तैयार है और वो गारंटी दे रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ऐसे तैयारियाँ 170 सीट मतलब क्लियर कर दी है, सबसे पहले टिकट क्लियर कर दिए, और पार्टियों की नीतियों से सबसे अलग हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, साफ सुथरी छवि वालों को टिकट दिए हैं, साफ सुथरी वाले छवि वालों को पदाधिकारी बनाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है और वो घर घर जाकर के मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हमारी, मतलब 300 यूनिट बिजली 24 घंटे के अंदर फ्री हो जाएगी।